नमस्कार सभी साथियों को, प्रदेशवासियों को बधाई सावन के पाक पवित्र महीने की, और सभी गौ भक्तों को जय गौ माता। मैं पिछले कुछ दिनों में अनेकों गौशालाओं का दौरा कर रहा हूं अपने क्षेत्र में। मुझे बहुत खुशी होती है कि नौजवान पीढ़ी जो है वो प्रोत्साहित कर रही है हमारे क्षेत्र के अंदर गौ सेवा। तो ये मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी जिम्मेवारी आप लोग निभा रहे हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इसी के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण विषय गौ भक्तों से मुझे ज्ञात हुआ, और वो ये है कि हमारे यहां अनुदान राशि सरकार की तरफ से बहुत कम मुहैया कराई जा रही है, सिर्फ 3.5 रुपए मुहैया कराई जा रही है। इस महंगाई के दौर में ये बहुत कम है, और डिपेंडेंट होना पड़ जाता है, दूसरे पर निर्भर होना पड़ जाता है। समाज के विभिन्न अंगों के जो लोग हैं वो जाकर के गऊ की सेवा करते हैं, या उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, गांव के अंदर भी मांगना पड़ता है। अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं किसी भी गौशाला को, उसके लिए सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। और मैं ये मांग करता हूं इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा की सरकार से कि अनुदान राशि को 3 रुपए से बढ़ा करके 50 रुपए किया जाए। हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के अंदर 30 रुपए है, और 30 रुपए भी वहां के लोग मानते हैं कम है, इसलिए इस अनुदान राशि को 50 रुपए मिनिमम किया जाए, जिससे कि हमारी गौशालाएं सेल्फ डिपेंडेंट हों और उन्हें झोली ना फैलानी पड़े उनके सेवकों को। नेचुरली जो लोग सेवा करते हैं वो तो अच्छी बात है ही, मैं और आप, हम सब लोग, समाज जो है वो अपनी जिम्मेवारी को निभाता रहेगा, आज भी निभाता है, कल भी निभाता रहेगा, मगर अगर सरकार अपनी ड्यूटी को निभाए तो मैं मानता हूं कि फिर जो असली मायने के अंदर वो कहते हैं कि बदलाव, वो जो हम चाह रहे हैं, देख रहे हैं गऊ की सेवा के लिए, वो आ जाएगा। और एक जो आवारा, जिनको हम पशु कह देते हैं, या जो हम शहरों में देख रहे हैं, लगभग सब्जी मंडियों में देख रहे हैं, कॉलोनीज में देख रहे हैं, या गांवों में देख रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ी निजात मिल सकती है। अगर इस सिर्फ केवल मात्र इस अनुदान राशि को बढ़ा दिया जाए, इससे सरकार पर कोई लंबा छोड़ा बोझ नहीं आएगा। इस अनुदान राशि को केवल अगर बढ़ा दिया जाएगा तो मैं ये मानता हूं कि फिर हमारी कई सारी कठिनाइयां जो गौशालाओं को आ रही है वो दूर हो जाएंगी, और आवारा पशु से शहर के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोगों को, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, देखते हैं कितना ज्यादा नुकसान हो जाता है, इन तमाम चीजों से, इन पहलुओं से निजात मिलेगी। मैं आज ये मांग करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की सरकार इस महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर जरूर सोचेगी और इस अनुदान राशि को बढ़ाने का काम, कम से कम मिनिमम 50 रुपए करने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।